हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं चने का प्रसाद। जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं और लॉकडाउन भी चल रहा है, तो घर में काले चने तो होते ही हैं। तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है माता के लिए प्रसाद, जो हम बनाएंगे अभी। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी चने लिए, मैंने रात को भिगो दिए थे और सुबह मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसको बॉयल कर लिया है और ये अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो हमने कढ़ाई गैस पर रखती है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब तेल। तेल को गर्म होने देते हैं और इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। तेल हमारा गर्म हो गया है, आंच आप सिम ही रखें ताकि हमारे मसाले जले ना। और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और डालेंगे 1 चम्मच हल्दी। ये मैंने 1/4 चम्मच ली है हल्दी, 1 चम्मच भी डाल सकते हैं अपने चने के हिसाब से। तो इसको अब हम अच्छे से भून लेते हैं मसालों को। और इसी में ही हम डाल देंगे लाल मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैं इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्ची डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 2-3 चम्मच मसाला हमारा जो है अच्छे से भून जाए। देखिए हमारे मसाले जो हैं अच्छे से भून चुके हैं, तेल छोड़ दिया है। तो इसमें डाल देंगे हम अपने चने और साथ में डाल देंगे हम नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1/2 चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूँ। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि जो हमारे चने हैं वो ऑलरेडी पहले से ही पके हुए हैं। 1 मिनट हो चुका है और ये हमारे बहुत ही टेस्टी चने बनकर तैयार हैं। और इसे अब हम निकाल लेते हैं अपनी कटोरी में। देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब हमारे चने बने हैं। देखिए चने तो हमने बना लिए हैं और अब हम बनाएंगे 1 कप सूजी का हलवा प्रसाद के लिए। तो हमने कढ़ाई अपनी जो पैन है गैस पे रख दिया है, इसमें हम डालेंगे 1/2 कप के करीब देसी घी या 2 बड़े चम्मच। इसको पिघलने देते हैं पहले। घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे सूजी। आंच आपने सिम रखनी है और अपनी सूजी को ब्राउन करना है। देखिए अभी बिल्कुल खुश्क हो गया है हमारा जो सूजी है। तो जब तक ये घी ना छोड़ दे तब तक हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे और बिल्कुल ब्राउन करेंगे। दानेदार हम अपना प्रसाद बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए सूजी का कलर हल्का हल्का ब्राउन होने लग गया है और ये थोड़ी पतली भी हो गई है। देखिए जैसे घी छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा और ब्राउन करेंगे क्योंकि अभी हमारी सूजी कच्ची है। तो बहुत ही टेस्टी प्रसाद बनता है ये और बिल्कुल सही मेजरमेंट में आपको बताऊंगी, इससे आप कभी भी कैसे ही बना सकते हो। जितनी आपने सूजी लेनी है उतना ही इसमें मीठा डलेगा, चीनी डालेंगे हम। जैसे हमने 1 कप सूजी ली है और 1 ही कप हम इसमें चीनी डालेंगे, और जो पानी होता है वो इससे 3 गुना होता है। जैसे 1 कप सूजी, 1 कप चीनी और 3 कप पानी डालेंगे, तो इससे बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट प्रसाद बनता है। तो अभी हम इसको थोड़ा और ब्राउन करेंगे। और ये देखिए सूजी हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है और इसमें देखिए घी भी छोड़ दिया है और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। ये इसकी निशानी है, जब हमारी सूजी अच्छे से पक जाती है, इनके ब्राउन हो जाती है, जिससे हमारा जो प्रसाद है वो कच्चा नहीं रहता और बहुत ही
टेस्टी बनता है। तो इसमें अब हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट, जैसे काजू बादाम और किशमिश ली है तो ये भी हम साथ में डाल देंगे। इसको थोड़ा सा साथ में भून लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे जितनी हमने सूजी ली थी उतनी हमने इसमें चीनी डालनी है। इसको भी थोड़ा हम मिला देते हैं सूजी के साथ। और इसमें अब हम डालेंगे 3 कप पानी, यानी कि सूजी से 3 गुना। ये सारी सूजी मैंने मीडियम सिम आंच पे ही भुनी है, 2 और ये 3। और अब हम इसको थोड़ी आंच तेज करके अच्छे से इसको चलाते जाना है हमने। और देखना ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा अभी, तो इसको आपने लगातार ऐसे ही चलाते जाना है। ना देखिए पानी काफ़ी कम हो गया है हमारा, अब हम इसको लगातार ऐसे ही चलाते जाएंगे जब तक ये घी ना छोड़ दे। इसको आपने लगातार चलाते जाना, सिम आंच की है मैंने इसकी। पहले मैंने इसको थोड़ा तेज़ किया जब हमने पानी डाला था, तो अब देखिए इसके छींटे पड़ने शुरू हो गए हैं, तो आप इसको थोड़ा कम ही कर लें आंच को, सिम आंच पे किया है मैंने। और इसको लगातार हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। अरे देखिए हमारा प्रसाद बनकर तैयार हो गया है, इसने घी छोड़ दिया है देखिए साइडों से, कढ़ाई से लगना छूट गया है और ये हमारा प्रसाद बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे भी कटोरी में निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और दानेदार प्रसाद बना है हमारा। और अब हम बनाएंगे पूरी। पूरी बनाने के लिए मैंने आटा लगा लिया था पहले ही, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, आधा चम्मच से थोड़ा कम ही था, और 2 चम्मच मैंने तेल के डाले थे मोन के लिए। तो मैंने इसको आधा घंटा पहले ही गूंद के रख लिया था। तो अब हम इसकी पूड़ी बनाएंगे, तो इसके लिए हम छोटी छोटी लोई लेंगे, इतनी छोटी, और इसको हम ऐसे बेल लेंगे थोड़ा सा तेल लगाकर। देखिए ऐसे बेल कर हम इसको रख लेंगे, और कढ़ाई में हम तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। ये देखिए तेल हमने गर्म होने के लिए पहले रख दिया था, इसको देख लेते हैं। अच्छे से हमारा तेल गर्म होना चाहिए तभी हम इसमें पूड़ी डालेंगे, तभी वो अच्छे से फूलती है। तो तेल हमारा अभी गर्म हो गया, देखिए ऊपर उठकर हमारा जो हमने छोटा सा आटा डाला था वो आ गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पूड़ी, इसको निकाल देते हैं। बहुत ध्यान से डालनी है आपने, तेल बहुत गर्म है। इसको हम साथ में ऐसे तेल डालते रहेंगे ऊपर, थोड़ा इसको हम दबाते रहेंगे, इससे हमारी जो पूरी है वो अच्छे से फूल जाती है। इसको उठा देंगे, हमने इसको अच्छे से ब्राउन करना है, कच्ची हमने नहीं निकालनी है पूरी। उल्टा उल्टा कर दोनों तरफ से इसको ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, हल्की सी ब्राउन करना है ताकि अच्छे से पक जाए। देखिए हल्का सा कलर इसके ऊपर आ गया है। देखिए हमारी पूरी बनकर तैयार है, और हमने एक और पूरी बना ली है। तेल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए तभी आपकी पूड़ियाँ ऐसे फूल कर आएंगी। अगर आप ठंडे तेल में डाल दोगे तो आपकी पूड़ियाँ अच्छे से नहीं फूलेंगी। तो आपने तेल अच्छा गर्म होने के बाद ही इसमें डालनी है। देखिए कितनी अच्छी पूड़ियाँ बनकर निकल रही हैं। अरे देखिए माता के प्रसाद के थाली हमारी बनकर तैयार है। देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।